भतीजों ने की चाची की हत्या। पुलिस ने हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महोली गांव में खेती के लालच में चाची की हत्या करके शव को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने वाले दो भतीजे और उनके एक साले को पुलिस टीम ने वारदात के 4 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने बोरे में भरे शव को बरामद कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस ने विधिक कार्यवाही की। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त आशु उर्फ राघवेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय शिव बहादुर सिंह निवासी महोली थाना महाराजगंज उम्र 28 वर्ष ने बताया कि चाचा रामचंद्र मानसिक विक्षिप्त हैं। करीब 20 वर्ष पहले रामचंद्र की पत्नी कुसुम चाची हैं जो गांव से चली आई थी और इस वर्ष से दिवाली के समय गांव में वापस आ गईं तथा रामचंद्र के घर में सामान रख कर रहने लगी। रामचंद्र काफ़ी समय से खेत में बने ट्यूबवेल पर रहते हैं, गाँव में नहीं आते। जब मेरी चाची 20 साल बाद वापस आई तो उन्होंने चाचा रामचंद्र के खेत के हिस्से की बात करना शुरू कर दी। जब हम लोगों को इस बात की जानकारी हुई तब आंसू व उनके भाई बबलू ने आपस में विचार विमर्श किया और बबलू के साले जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ सौरभ सिंह पुत्र दिनेश बहादुर निवासी नारायणपुर थाना जिठवारा जनपद प्रतापगढ़ से फ़ोन पर आंसू और बबलू ने बात की। इसके बाद घटना को अंजाम देने के लिए 9 जुलाई को सौरभ सिंह नोएडा से ओला चालक मनोज के साथ गांव में आया और रात को चाची की हत्या कर दी। 15 जुलाई को अभियुक्त तो आशू उर्फ राघवेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय शिव बहादुर सिंह निवासी महोली थाना महाराजगंज कानपुर नगर उम्र 28 वर्ष जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ सौरभ सिंह पुत्र दिनेश बहादुर निवासी नारायणपुर थाना जिठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 39 वर्ष बबलू उर्फ बलवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय शिव बहादुर सिंह निवासी ग्राम महोली थाना महाराजपुर कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त तो आशू उर्फ राघवेंद्र सिंह की निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त की मृतका कुसुम के शव को पधारा नहर थाना क्षेत्र कल्याणपुर जिला फतेहपुर के पास झाड़ियों में एक बोरी के अंदर बरामद किया गया। रिपोर्ट मनीष विश्वकर्मा संवाददाता आर्यन न्यूज़ 24।